कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ कंकड़ खेड़ा की आदर्श कॉलोनी के गेट के बाहर बने पीर पर कुछ लोगों ने शुक्रवार की रात भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित कर दी। इतना ही नहीं, पीर के गुंबद पर भगवा रंग भी कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने मूर्ति हटाकर वहां पूर्व की स्थिति बहाल कर दी है। भगवा रंग पर तिरपाल लगा दिया गया है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा है कि सारे मामले की जांच पुलिस व प्रशासनिक अफसरों को सौंप दी गई है। माहौल खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा है। सर, एक मामला है जिसमें मजार में मूर्ति रखी गई है, क्या पूरा मामला है, उसमें क्या कार्रवाई की गई है? नहीं देखिए, मीडिया के माध्यम से ये चीज़ संज्ञान में आई थी और फिर प्रशासन ने भी जाके उसको देखा गया। एक जगह थी जिसका प्राइमरी फैसा ही अभी पता नहीं है कि वो किस स्वरूप में थी और कैसे यूज होती थी, पर उसमें लोकल लोग जो वहाँ के हैं, क्योंकि कोई उसको यूज नहीं करता था, तो उनके द्वारा वहाँ पे मूर्ति रख के प्रसाद वितरण का सूचना थी। तो इसमें कंसर्न प्रशासन और पुलिस ने उसको जाके जैसे उसके स्वरूप में था उसको बंद करवा के वैसा कर दिया गया। बाकी SDM और CO साहब को जांच दी गई है कि CCTV फुटेजेस को देख लें और इंश्योर करें कि जो यथास्थिति थी उसी स्थिति में वो जगह मेंटेन हो। नहीं, लोकल रेजिडेंट्स हैं जो बात हो रही हैं, कई लोग थे, जो ऐसा पर्टिकुलर एक या दो लोग नहीं थे, मोहल्ले के जो लोग हैं और जो वहाँ आसपास रहते हैं वो सभी लोग थे। तो उन्हीं लोगों से बात करके और CCTV फुटेजेस को देख रहे हैं और अगर ये इंश्योर किया जाएगा, इसमें कोई अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इंश्योर किया जाएगा जैसी स्थिति है वैसी स्थिति रहे, लोगों से बात करके उसको इंश्योर किया जाए। सर, और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए तो उनके लिए क्या? इसीलिए SDM और CO साहब को दी गई है जाँच। वो जैसे ही उसमें जिसको भी दोषी पाएंगे या किसी के ऐसा किसी ने कुछ किया है जिसकी वजह से माहौल बिगड़ा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।